नमस्कार, मैं नीलम शुक्ला आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के पूर्व कुछ हेल्थ टिप्स देना चाहूंगी ताकि आपको व्रत के दौरान किसी भी तरह का दिक्कत महसूस ना हो और एनर्जी फील कर सके आप। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आप एक दिन पूर्व ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहिए घूंट कर करके। उसके अलावा आप 4 से 5 प्रकार के फलों का सेवन जरूर करें, साथ ही दोपहर के और रात के खाने में ज्यादा से ज्यादा सलाद लें। उसके बाद थोड़ा बहुत जो आपको खाना जो आपने घर में बनाया हुआ है उसको लीजिए, ताकि आपको दूसरे दिन ज्यादा कमजोरी ना महसूस हो और आपकी एनर्जी बनी रहे। और जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन जिसको हम सर्गी बोलते हैं, सूर्योदय के पहले हमें ऐसी चीजों को लेना है जिसमें स्लो कार्ब्स, यानी जो चीज धीरे धीरे पचे, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज ले लेंगे जो कि बहुत तेजी से पचेगी तो हमें भूख जल्दी जल्दी लगेगी। इसलिए हमें ऐसी चीजों को भी लेना है ताकि हमें एनर्जी पूरे दिन के लिए बनी रहे और दिक्कत ना हो। उसके लिए आप नारियल पानी पीजिए, हर्बल टी लीजिए, आप 4 से 5 प्रकार के फलों का सेवन करिए और ड्राई फ्रूट जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, उसके अलावा सिंघाड़ा, पेठा, ये सब खा सकती हैं। और जो गर्भवती बहनें हैं हमारी, वो अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए ताकि दिक्कत ना हो, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पीते रहेंगी ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और साथ में फल भी लेते रहेंगे। इसके अलावा जो शुगर है, जिन्हें जो डायबिटीज की शिकायत वाली हैं महिलाएं, जो बहनें हमारी, वो ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजों का उपयोग करेंगी ताकि उन्हें परेशानी न हो, जैसे दलिया है, जो व्रत के एक दिन पहले उन्हें दलिया है और मूंग दाल, ये सब चीजें लेना है। और इन्हें भी थोड़ा थोड़ा घूट कर करके पानी पीते रहना है और अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना है व्रत के एक दिन पहले, ताकि ये उन्हें जानकारी हो जाए कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ताकि हमारा व्रत अच्छे से हो जाए, उस दिन हमारी तबीयत ना बिगड़े। उसके अलावा जो जिनके छोटे बच्चे हैं, 6 महीना से कम उम्र के हैं, ऐसी माताएं भी, बहनें भी हमारी, उस दिन फ्रूट और पानी ये दो चीज लेते रहेंगी ताकि दिक्कत ना हो उन्हें और एनर्जी बनी रहे। धन्यवाद।